नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं अंशिका। बॉलीवुड और साउथ फिल्मों की खूबसूरत एक्ट्रेस तमन्ना भाटिया इन दिनों अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ की वजह से सुर्खियों में छाई हुई हैं। हाल ही में उनकी अपकमिंग सीरीज लस्ट स्टोरीज का पार्ट 2 उसका टीजर आउट हुआ था, जिसे दर्शकों ने काफी अच्छा रिस्पॉन्स दिया। लेकिन क्या आपको पता है कि साथ ही तमन्ना भाटिया विजय वर्मा संग अपने रिश्ते को लेकर भी चर्चा में बनी हुई हैं। जी हाँ, मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो विजय वर्मा और तमन्ना भाटिया एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि अब तमन्ना भाटिया ने भी ये मान लिया है कि वो विजय वर्मा को डेट कर रही हैं। बता दें कि तमन्ना भाटिया और विजय वर्मा अपकमिंग सीरीज लव स्टोरीज में नजर आने वाले हैं। इस सीरीज में दोनों जमकर रोमांस करेंगे। तमन्ना ने बताया है कि उनके और विजय के रिश्ते की शुरुआत लव स्टोरीज के सेट पर हुई थी। इसी दौरान वो दोनों एक दूसरे के करीब आ गए थे। तमन्ना भाटिया ने एक इंटरव्यू में कहा, मेरा ये नहीं मानना है कि आप किसी से इसलिए अट्रैक्ट होते हैं कि वो आपका को स्टार है। मेरे कई को स्टार रहे हैं। मुझे लगता है कि आप किसी के तब नजदीक आते हैं जब आपके मन में उसके लिए फीलिंग होने लगती है। मेरा ये बोलने का मतलब ये है कि कैसे हम दोनों एक दूसरे के नजदीक आए। इसके अलावा तमन्ना ने बताया कि वो विजय के साथ बहुत स्पेशल बॉन्ड शेयर करती हैं। अब स्पेशल कैसा वो आप ही जानते हैं और हम भी जानते हैं। साथ ही एक्ट्रेस के लिए विजय अब खुशी का ठिकाना बन गए हैं। बताते चले कि तमन्ना भाटिया और विजय वर्मा को कई बार एक साथ देखा गया है। दोनों पेपराजी के सामने जमकर पोज देते नजर आते हैं। दोनों के वर्क फ्रंट की बात करें तो विजय वर्मा हाल ही में सोनाक्षी सिन्हा की सीरीज दहाड़ में नजर आए थे, वहीं अब तमन्ना भाटिया के साथ वो लव स्टोरीज 2 में नजर आएंगे। तमन्ना सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा एक्टिव रहती हैं और अक्सर अपने फैंस के साथ बोल्ड एंड हॉट तस्वीरें भी शेयर करती रहती हैं। एंड बहुत ज्यादा जो कि है जनता, उनके फैंस भी उन्हें प्यार देते हैं। क्यों ना दे भाई, उन्हें मिल्क कहा जाता है साउथ की। खैर, आपको ये कपल कैसा लगता है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर शेयर कीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की छोटी और बड़ी तमाम खबरों की जानकारी के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ न्यूज़ नेशन पर।